तो भाई लोग चेक करो क्या आया यहाँ पे। सुबह के बच्चों के अभी 10:30 हो गए ना ओ भाई, 11 बज चुके हैं सुबह के अभी। और आज मैं उठा था 10:30 बजे, काफ़ी लेट उठा मैं, पता नहीं क्यों नींद नहीं खुली। और मैं सोच रहा हूँ अभी मैं नहा लेता हूँ, पहले मैं नहा के ना फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। हाँ जी तो भाई, फाइनली अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अब रेडी होकर करूँ क्या, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से भाई आज मौसम इतना ठंडा पड़ा हुआ है ना, अब तक धूप नहीं निकली है। आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि 3-4 दिन ना ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बाकी पापा गए अभी ऑफिस और मैं हूँ अभी घर पे अकेला। तो मैंने ना अभी अपने दोस्त को फ़ोन किया था, मैं कहा अभी घर आ जा तो एक वीडियो शूट करनी ऊपर स्टूडियो में। तो अभी वो थोड़ा बिजी, अब देखता हूँ वो कब तक आता है। जे आ गया तो वो वाली वीडियो भी शूट कर लेंगे। बाकी ये भाई कुछ मौसम का हाल, आज ठंडा पड़ा हुआ है एकदम भाई, ठंड अभी भी हाथ ना से जम रखे हैं पूरे। इसको देख के पता लग जाएगा आपको कि बाहर अभी कितनी ठंड हो रही है। भाई मैडम जी खुद लेटे हैं ऐसे आगे कंबल में, ठीक पता है ये ऐसे लेट गई थी कंबल में आके। ये देखो मैंने इसके ऊपर ये भी दे दिया, मैं कहा तू सो जा चैन से कोई ना, छोड़ 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 नहीं निकल ले। तो भाई मैं ना भी वेर का आया था अंडे लेने, मैं कहा डेजी को ना ऑमलेट बना के दे देता हूँ क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही है, पेडिग्री रखी है उसकी पर पेडिग्री भी नहीं खा रही है वो, तो इसलिए उसको ना ऑमलेट बना के दे देते हैं अभी। तो भाई लोग चेक करो क्या आया है यहाँ पे। तो भाई फाइनली अपनी जैकेट आ गई है, तू डेजी ये बाहर जाके बैठ जाएगी, अब देखना चल चल चल। चलो तो भाई इसे लेके चलते हैं और पहन के देखते हैं एक बार। सबसे पहले गाइस इसका हम करेंगे चीड़ फाड़, लेकिन आराम से करेंगे क्योंकि क्या होता है हमें चेंज करानी पड़ जाए। ये साइज़ का पता नहीं कि साइज़ मेरे को ये आएगा या नहीं आएगा। भाई अभी मैंने सुबह ने अभी ना मैंने सुबह ही डेढ़ से करी अभी मैंने सुबह ही डेढ़ से करी और बता रहे थे कि जैकेट कल आएगी, पर भाई ये तो आज ही आ गई। रो तो लग रहा है पूरे मेरे साइज़ की एकदम फिट आई है। रुको मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, पहले मैं ये चेंज करूँ, मेरे को नीचे की पतली टी शर्ट पहननी पड़ेगी। भाई और कुछ तो मेरे को मिला नहीं, मैंने पापा की टी शर्ट पहन ली अभी। अब लगेंगे ना भाई हम भी राइटर्स लगेंगे, पूरी एकदम फिट आई है मेरे को ये। ये चेक करो भाई, ठीक आया भाई पूरी, शुगर है भाई, साइज एकदम फिट आया अपने को। तो बस भाई बोर्ड बॉक्स में कुछ नहीं है, एक इसके लिए कवर आया है जिसमें जैकेट में टांग सकता हूँ, ठीक है। बाकी लोग भाई जैकेट अपनी रेडी है, तो चलो फिर एक ना गेड़ी मार के आता है बाइक में इसको पहन के। अब अच्छा अच्छा चलो 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 चलो, इधर आओ इधर आओ, चलो। तो भाई लोग लेट्स रॉक एंड रोल। तो भाई जैकेट तो अपने को पूरी कंफर्टेबल है, बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही अब तक। तो मैं बता दूं एक बार, ये जैकेट है ऑल एक्सट्रीम की, फोनसर कुछ नाम था इसका, ऑल एक्सट्रीम की जैकेट है ये, ठीक है। 4,000 की कुछ पड़ी है ये, और बजट में मतलब काफ़ी अच्छी जैकेट है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि भाई इसमें सारी प्रोटेक्शन है जो आपको एक महंगी जैकेट में मिलती है ना। एल्बो गार्ड है, शोल्डर गार्ड है, और बैक में भी एक गार्ड है एक। अब जैसे इसके अंदर तो मैंने सिर्फ ना अभी एक सिंगल टी शर्ट ही पहनी है, अगर मैं एक दो जैसे एक लाइनर हो गया एक तो टी शर्ट और पहन लूँ ना, तो ये जैकेट और ज़्यादा मतलब फिट हो जाएगी मेरे को। हल्की हल्की मेरे को लग रही है, हल्की हल्की ना मेरे को यहाँ इस साइड से थोड़ी सी लूज लग रही है, पर ऐसे इसकी फिटिंग ठीक है पूरी। जैकेट से ना भाई ये होता है कि ना बाइक चलाने में ना थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, पता नहीं कि भाई ये प्रोटेक्शन लगी हुई है ना, पर ये नहीं कि भाई जैकेट पहन ली तो भगाओ बाइक को, मतलब वैसे वाला कॉन्फिडेंस नहीं, पर हाँ ये होता है कि थोड़ी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ गई है अब, कि अगर बाई चांस अगर बाइक ऐसे गिरती भी है या क्रैश वगैरह होता है, जो कि कभी ना हो, पर हाँ अगर होता है तो सेफ्टी है भाई अच्छी खासी अब। तो भाई जिस चीज़ का मेन डर था ना कि जैकेट फिट आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं कैसी होएगी, वो डर अब ख़त्म हो चुका है। तो जैकेट ठीक आ गई पूरी। तो भाई एक बार मैं फिर से निकल गया था, मैंने सोचा एक फोटो भी खिंचवा देता हूँ अपनी पोस्ट के लिए, भी थोड़ी काम आ जाएगी, और बाकी थोड़ा मैं अभी देख लूंगा खुद को कि जैकेट कैसी लग रही है, पहनी हुई अजीब तो नहीं लग रही, वैसे तो ठीक लग रही है, पर फिर भी चलो एक बार। और भाई ये चेक मारो सामने क्या खड़ा है, BMW RR 310। भाई क्या हाल कर रखे, गंदी पड़ी हुई है कितनी। भाई साहब बाहर आने में इसने आधा घंटा लगा दिया, जैकेट करनी क्या है, बाहर तक तो आना है, खींचे फोटो एक बार देखने की कैसी लग रही है। कैस मार, तो कैस मार कितने की है, कितने की लग रही है देख के। चार 4.5 अच्छे से खींचो, इस साइड से खींचो, इस साइड से यार इतनी से कम छोड़ा ऐसे अच्छी नहीं आ रही, मैंने डालनी है ये। चल थोड़ा बाहर तक चलते हैं, चल पड़ेगा है नहीं घर पे कोई अभी,
ना कोई नहीं आना, मम्मा भी नहीं आना, पापा है। अच्छा चल ठीक है, फ्री हो गए मिले को भी चलेंगे बाहर। तो भाई मैं सोचा एक थंबनेल के लिए फोटो खींच ले थोड़ी, ओए कुत्तों को देखने के चक्कर में अभी अपना काम हो जाता। इसके घर पे कोई था नहीं, नहीं तो ना बाहर जाके किसी अच्छी सी लोकेशन में फोटो खींचते। चलो कोई ना, अभी जैसी फोटो आई है उसे थोड़ा काम चला लेंगे, अभी चलते हैं अपने घर को वापस। मैं आ गया था वापस अभी घर, और ये रही अपने सामने अपनी जैकेट। तो एक बार आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसके एक ये है एल्बो गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे एक, ठीक है। इधर इसके शोल्डर गार्ड भी लगे हुए हैं दोनों साइड सेम। बाकी ये रहा इसका बैक गार्ड। हाँ तो बस यही है जैकेट के बारे में। पर ये है कि जैकेट ना देखने में भी काफ़ी सही लग रही है बाहर से। ये इसकी फ्रंट लुक है, पीछे से दिखाता हूँ एक बार। तो लो भाई पीछे से भी देख लो एक बार ऐसे, ठीक है। मैडम जी कैसे हो? तो चलो फिर इसी के साथ आज के इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। मैंने बैठे बैठे ना अभी अपना पूरा व्लॉग भी एडिट मार दिया, तो मैं कहा चलो 5 मिनट का व्लॉग बन गया तो इतना काफी है। मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। ओ मेरा बच्चों, मेरा बच्चों।